की चैम थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन मैं आया है। अब मैंने भी अपना दिया था, तो स्कैम हो गया बड़ा मौका हमारे साथ। तो भाई लोग हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश शेख, आपका होस्ट, आपका दोस्त यारो के यार, आपको बहुत सारा प्यार स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रमेश व्लॉग्स। डीएसके सीजन 3 डे 2 फाइनल डे, और आज खेलने जा रहे बहुत सारे मैच, बिकॉज सिनेरियो ऐसा है कि कल जो लास्ट सेशन लॉस हुआ था उसमें बहुत सारे मैच, ऑलमोस्ट 3 मैच खेलने के पेंडिंग रह गए, तो आज वो मैच भी खेलने हैं, आज के दिन जो मैच है वो भी खेलने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए दूसरा ग्राउंड पे अरेंज किया गया इसके लिए, तो वहाँ पे कुछ मैचेस होंगे, यहाँ पे कुछ मैच होंगे। और आप सोचें मैं जैकेट भी लेके, बिकॉज यहाँ पे हो रही ठंडी बहुत भाई, अपन जैसे जब आए ना तो भाई बाइक पे लिटरली ऐसे काँपते 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 आए, तो बहुत ठंड लग रही थी, और मेरे हाथ भी काँप रहे हैं, अभी मोबाइल जब होल्ड किया है ना तो हाथ भी काँप रहा है। तो पहली मैच हम लोग किए और हाथों की हालत जो होने वाली है, क्योंकि मैं कीपर हूँ तो मेरे को हाथ को बहुत मजबूत पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो पहली मैच हम लोग किए, फिर थर्ड मैच है, फिर फोर्थ मैच भी नहीं, फिफ्थ मैच है, तो कंटिन्यूस मैच खेलने के है ये ग्राउंड पे, दूसरे ग्राउंड पे, और बहुत सारे मैच होंगे, तो जब भी टाइम मिलेगा तो कुछ क्लिप्स शूट कर लेंगे। और देखो चेहरे का स्किन का क्या हालत हो गई भाई, मतलब कल तो कुछ लग नहीं था, आज सुबह में जब देखा ना मैंने, आज सुबह देखा तो पूरा सब ऐसा, मतलब बर्न तर बर्न जलता वैसा हो रहा था। तो आज 2-3 बार सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा लगता है, बहुत खराब लग रहा है ना। क्या शादी है ना घर में हमारे फैज भाई की शादी है अगले महीने में, तो उसके बाद फेस थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। अब तो हम लोग तो पहुंच गए, हमारी टीम पहुंच गई है, बाकी लोग का पता नहीं, अभी आएंगे तब मैच चालू करेंगे। अंतुले भाई भी आ गए भाई, अंतुले भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यह हमारे अंतुले भाई है। अभी जहाँ पे मैच हो रहा है सोनावगा में, पूरा ऑर्गेनाइज लोग ने किया गया है, डीएसके सीजन 3 पूरा ऑर्गेनाइजेशन अंतुल भाई सोनाव टीम, जो शेर इंडियन टीम है इनका, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंशाल्लाह आज पूरे मैच भाई होने ही मांगते हैं। सेकंड ग्राउंड अरेंज किया है, सेकंड ग्राउंड पर अरेंज किया है, जैसे आपको बताया सेकंड अरेंज किया है। और कल जो सेशन लॉस हुआ था, थर्ड सेशन जो लॉस हुआ था, उसकी भरपाई आज करनी पड़ेगी अपने को, और फाइनल कम्प्लीट करना। तो इंशाल्लाह अभी मैच शुरू हो गया तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हम लोग टॉस जीत चुके, और फील्डिंग करेंगे भाई, क्योंकि सुबह का मौसम है, बैटिंग जल्दी होगी नहीं, फुटवर्क होगा नहीं, तो फील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो फील्डिंग जल्दी, और हमारा लकी चैम हमारा रूपी भाई, लकी चैम थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन मैं आया है। तो फर्स्ट मैच अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत चुके भाई, बहुत अच्छी तरह शानदार तरीके से कल की तरह जीते, और इसी तरह हम लोग ये जीत का जो सफर है बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन में बहुत सारे मैच खेलने, तो इंशाल्लाह वो मैच भी खेलेंगे। और धूप बढ़ती जा रही है, सनस्क्रीन लगा है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, और आंखें भी बंद हो रही है क्योंकि धूप आग पे आ रही है। हमारे ओनर ने हमको बोला वड़ा पाव खाओ, हमने वड़ा पाव खाए, उधर बिल नहीं दिया हमारा, वो बिल दिए नहीं, वो दोनों भाग के आ गए इधर। बिल दिया आपने, दिया मैंने, दिया मैंने पैसा, मैंने भी 40 दिया, कभी कितना दिया मैं 60, उन्होंने का 60 दिया, वो 6 बड़े बोले मेरे को 6 खाले, मैं ठीक है, तो अब मैंने भी अपना दिया था बिल, तो स्कैम हो गया बड़ा मौका हमारे साथ, इसने 40 पैसा 110 खाए, बड़ा मौका पैसा डूब गया है। तो अभी इधर मैच चल नहीं रहा है और इनकी टीम नहीं है, तो हम लोग को शायद से दूसरे ग्राउंड पे खेलना पड़ेगा जहाँ पे एक मैच चालू है ऑलरेडी, तो डिस्कस करेंगे फिर निकलेंगे आगे, ठीक है। हवा ना आ रही क्या? ये वो है एक काम हुआ है। इस बार आते ही कसौटी। इस बार वेट किया और लाजवाब शॉट, इच्छा कवर को क्लीन आत्मविश्वास त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकदा शॉट सुद्धा यावर आणि लेफ्ट साइडच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय 6 धावांचा दिसत मॅक्झिमम 6 रन और 9 रन बैटिंग कर रही है वो टीम साजिद भाई की है। अगर वो जीतते तो उनको चांस है क्वालिफाई करने का, इसके लिए उनको नेक्स्ट मैच जीतना पड़ेगा। और ये जो टीम फील्डिंग करी ना सोनावे, ये बहुत टफ टीम है, फिर भी उनकी उन्हीं कर दिए 2 बॉल 5 रन, बहुत टफ मैच, बहुत सही मैच हो रहा है यहाँ पे। एक अंडरडॉग टीम एक बेहतरीन टीम को मात देती है। ओ भाग 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 दो भाग दो भाग
मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न बघूया. दोन धाव परिपूर्ण होत आहेत का निश्चित दोन रन फिर दो रन असं समीकरण आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू एक बॉल तीन रन राईट आर्म होते देखते क्या होता है. गुलाम अली बघूया हे मात्र पुढे सरसावून करण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र जीत चुकी है भाई टीम इधर. जीत मात्र पहली जीत पहला विजय करना मात्र इसे प्राप्त कर लिया. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यह ऐसा होता है जब एक अंडरडॉग टीम बड़े टीम के खेलती ना तो चांस होते हैं कि अंडरडॉग टीम कुछ ऐसा करके दिखाती है कि सबको नजरें उन पर टिक जाती है. और ये बहुत बेहतरीन मैच हुआ है. और अभी हम लोग का मैच है गुफरान की टीम के साथ माही 11 के साथ. तो मेरा चार नंबर बिजली का मैं बिजली का तो मेरा तो बैटिंग ना शुरू होता है हमारा फील्डिंग शुरू होता है. तो आइए देखते हैं फिर चलते हैं फटाफट. तो यहाँ पे एक बेहतरीन मैच चालू है. जो टीम जीती थी ना अंडरडॉग टीम टफ दे रही है माही 11 को. और माही 11 ने हमको हराया बहुत बुरी तरह से हारे हम लोग. और ये हमारे टीम के मेंबर हारे हुए चेहरे. कोई बात नहीं गाइस एक और मैच है हमारे पास और हमने इस घर का आसरा लिया है बैठने के लिए. इधर बैठने की सुविधा बहुत कम है. धूप में बैठ के हम लोग काले गिर जाएंगे. तो ये मैच होगी उसके बाद फिर से हमारी मैच है बहुत बड़ी टीम के साथ. और बड़ी टीम का नाम है काटाले फैसा काटाले के साथ है. और आप बोले कि टी शर्ट का क्या. तो टी शर्ट अपने दे दिया उधारी पे इम्तियाज भाई को कि उसका मैच है. तो वो कल था नहीं तो टी शर्ट लेके आए नहीं तो अपने टी शर्ट उधारी पे दे दिया. उसका अपने पहना है तो बहुत भर दिखते हैं अभी. तो ये पहन के भी खेल सकते लेकिन ऑब्जेक्शन लेंगे. 5 इंच फुकर का पैंट देना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है चलेगा. अभी हमारी मैच है. रुके सुके चेहरे से बैठे हम लोग यहाँ पे. खाना भी नहीं मिल रहा है. खाना भी नहीं मिल रहा है. भूख भी लगी बहुत जोर से. ओड़ा पक्का अभी गैस हो गया पेड़ में हम लोग को. और ये हम लोग का बेस्ट फील्डर ओवर थ्रो ऐसा क्या भाई अटैक बाउंड्री में बॉल फेंक दिया. वो 4 रन महंगे पड़े हम लोग को. बहुत गजब बेइज्जती है. एक गजब बेइज्जती में क्या कर सहन करना पड़ेगा तेरे को. यस इस बार भी स्वीट साउंड इनटू द गैप में गेंद. आसान सा कैच छोड़ दिया है. ड्रॉप कैच ओवर की समाप्ति और मैच ड्रॉप 15. ये बड़ा प्लेयर अर्षद भाई. अरे हम लोग गए थे मैच खेले उसके लिए. आर्या वॉरियर्स यहाँ पे जीत चुका है. और अभी पूरा इक्वेशन चेंज हो गया यहाँ पे क्योंकि कैसे है ना एक टीम क्योंकि बाकी सारी टीम दो दो मैच जीत चुके हैं. और अभी हम लोग का मैच है. वो मैच है मिराज की टीम के साथ. सो वेरी स्ट्रांग टीम इन द टूर्नामेंट राइट नाउ. बहुत जबरदस्त टीम है लोग की क्योंकि अच्छे बॉलर अच्छे बैट्समैन है इनके अंदर. और आई होप ही प्लेड वेल. तो देखते हैं अभी वहाँ पे रन रेट निकाला जा रहा है उसके बाद ही क्वेश्चन डिसाइड होगा. तो हम लोग टॉस जीत के हारे हम लोग टॉस हार के पहले ही फील्डिंग करने वाले जो हमेशा कहते हैं. तो चलो अगर अभी मैच ठीक है अदरवाइज खाना खान चलते हैं. तो सेकेंड मैच हो गया हम लोग का और 58 का टारगेट था 5 ओवर में. और जीत चुके हैं हम लोग भाई लोग बहुत बहुत मुबारक मेरे को मेरी टीम को. और हम लोग एलिमिनेट राउंड में जा चुके हैं जहाँ पे फर्स्ट से 2 का मैच लगेगा उसमें से एक चांस मिलेगा ऐसा कुछ इक्वेशन है. अब तो कन्फर्म नहीं है पर हमने हमारे से जोड़ लिया है. अभी खाना खाएंगे बहुत भूख लगा है सांसें फूल रही है. और खाना खाते तो 4 टीम कंफर्म हो गए. खाना खा के भाई इतना खाना खाया मैंने आज वापस क्योंकि बहुत भूख लगी थी. सुबह से कंटिन्यू खेल रहे थे ना तो भूख लगी थी. तो अभी इधर टॉस चालू है. जो फर्स्ट 2 टीम है उनका एक सोनावा शेरी ने सोनावे का और दूसरा 5-star काटा ले उसमें से जो जीतेगा वो लोग सीधा फाइनल में आएंगे. एक टीम जो हारेगी वो जो 3rd और 4 नंबर का है उसके हिसाब से जो जीतेगा उनके साथ फिर से उनको एक चांस मिलेगा खेलने के लिए. तो हम लोग है 3rd नंबर पे और हम लोग एक चांस है खाली सेमीफाइनल जाने के लिए. तो देखते हैं टॉस चले टॉस कौन जीतता है.
के मात्र फाइव स्टार शेर इंडियन संघाने नाणेफेक जिंकली कौल जिंक है निश्चित अपने जोड़े जी शेर इंडियन संघाच कर्णधार समीर जी भूया आता कैच अरमान शेख शॉट बॉल टाकला सुपर लेकर शॉट तो अभी हम लोग का मैच है सेमीफाइनल सेकंड वाला और हम लोग की टीम ग्राउंड में जा चुकी है। हम लोग का फील्डिंग है इसके अगेंस्ट मुन्ना भाई के अगेंस्ट। तो मुन्ना भाई बॉल चेक करे भाई 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 सोच समझ के मारना सकाल ये ले गुलाब तो गुलाब को देता है गुलाब तो को देता है बुढ़ा हो गया बस वर्ष एकशे टक्के वर्ष ठीक है यहाँ पे हम लोग जीत चुके और इनके साथ मुकाबला है हमारा। तो फाइनल का टॉस होने जा रहा है। फाइनल में हम लोग फाइव स्टार काटा ले और एम स्टार दही सर।
स्टार जीत चुके हैं अपने स्टार फाइव स्टार कटा ले। तो हम लोग फाइनल में आ चुके हैं। फाइनल का मैच हम लोग का है। रमेश ने गले में लाते लगते मैच मेरे बहुत बीस्पीड हो गया कीपर क्राइम पे, लेकिन ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा। और हम लोग फाइनल में आ चुके हैं और अच्छे अच्छे शब्द यूज किए। अभी फील्डिंग है, देन बैटिंग है। तुम्हारा फील्डिंग करेंगे फिर आपको मिलता हूँ मैं। जैद तू बोल तो शूट करने के लिए। मात्र शॉर्ट पिट डिलिव्हरी स्कॉरपंचा संरक्षण केलं जाईल निश्चितच। मागच्या सामन्यामध्ये मात्र फैजल याने हॅट्रिक घेतली होती। दुसरा षटक आपण हे मात्र शॉर्ट पिट डिलिव्हरी बढ़िया शॉट इन पे कीपर से गेंद को चिप करते हुए गेंद जाती हुई सीधे एक सख्त ओवर में। बढ़िया शॉट अभी के लगभग बल्ले के बाहर। अच्छी फील्डिंग खालू सब छोटे मारे देख रहे लगातार। अगले साल एक नंबर आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर वी प्ले वेल। हम अगले साल फिर से ट्राई करेंगे। यस यस। और अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे, तो प्राइस कैप्चर करेंगे। और हमारा आइकॉन रहेगा। नहीं नहीं भाई, आइकॉन नहीं, शेयर अपना ही होगा। और अगले साल फिर रमेश भाई, अगले साल हम रमेश भाई को नहीं लेंगे, उनको दूसरी टीम की जरूरत है। साले तुम लोग को मैं मोटिवेट किया इतना आराम को साले। देखा ऐसा होता है भाई, हमारे बहुत अच्छे खेले हैं और इनके वजह से हमारी टीम जो है सेकंड रैंक पे आई है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो अभी प्राइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे, वो प्राइड कैप्चर करेंगे और निकलेंगे यहाँ से भाई। माही 11 आर्या वॉरियर्स फाइव स्टार यम स्टार शेर ए इंडियन राम रहीम अशा सहा संघांनी भाग घेतला होता। सहा संघांच्या ओनरनी ते भाग घेतला होता। निश्चित चांगल्या प्रकारचे ते सामने पार पाडलेले आहेत। तर आता आपण बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमाकडे वळतोय। सामनावीराचा पुरस्कार जातोय 101। षटकारांचा बादशाह कोण आहे? आदिल उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक कोण आहे? उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक शायान शायान शेख। उत्कृष्ट गोलंदाज कोण आहे? इम्रान। उत्कृष्ट फलंदाज कोण आहे? उत्कृष्ट फलंदाज मोईन 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 कमांड प्लीज ऑन द स्टेज। अशोक भारती प्रदान करायचं उत्कृष्ट फलंदाज मोईन। त्याच्यानंतर आपण चौथ्या पारितोषिकाकडे जातोय। राम रहीम चौथं पारितोषिक करायचं आहे। चतुर्थ पारितोषिक तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे शेर ए इंडियन क्रमांकाचं पारितोषिक आहे यम स्टार संघ। यम स्टार संघ समोर
आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग भी जीत गए, हार लिए, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, बहुत कंटिन्यू से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह। अभी अपना